सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और बहुत जबरदस्त वीडियो, और ये वीडियो रहने वाली है हमारे ऑडियो लवर्स के लिए। तो आज गाइज मैं अपनी किया सेल्टोस में करवा रहा हूँ एक बहुत ही बेसिक सा अपग्रेड, जिसमें हम करवाएंगे डैम्पिंग करवाएंगे सारे डोर्स पे, और एक लगवाएंगे अंडर सीट सब वूफर। तो बेसिकली मेरी डिमांड ये थी कि मेरे को बूट स्पेस से जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, क्योंकि फैमिली कार है और घर वालों को जो है पूरी स्पेस चाहिए गाड़ी में। तो उसके लिए हमने एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करी, और बहुत ढूंढने के बाद हमें पता चला है सब वूफर के बारे में। तो हमारी एक और गाइस वीडियो पहले से ही अपलोडेड है, जिसमें हमने दिखाया है कि बेस्ट सब वूफर जो आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हो, अंडर सीट सब वूफर। तो उसकी वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, हम लिंक डाल देते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो आज उसी वीडियो के बेसिस पे मैं खुद अपनी गाड़ी में लगवाऊंगा एंड आपको पूरा आउटपुट चेक करवाएंगे कि कैसे फिटिंग होती है और एक कैसा बेस आता है, ट्राई करेंगे कि आप सबको वो दिखा पाए। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, और फिर उसमें से एक चूज करके अपनी गाड़ी में लगवाएंगे। तो गाइस मिल लो भैया से, क्या हाल है भैया? बहुत बढ़िया, हाय एवरीवन, बहुत बढ़िया, आप बताओ? बढ़िया बढ़िया। तो आज सेल्टोस लेकर आए हैं भैया, तो शुभम क्या रिक्वायरमेंट पड़ गई फिर, डैम्पिंग क्यों करवा रहा है ये बता। डैम्पिंग तो यार हमने जैसे सेल्टोस का रिव्यू भी दिखाया था, तो इसमें बहुत नॉइज आती है बिन बात की, मतलब इसके प्लास्टिक भी मतलब बेकार क्वालिटी के है, और डोर से भी मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा नॉइज आती है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन हो जाने लग जाती है, और बेस बढ़ाने पे फटती है आवाज। बेसिकली क्या आपके फैक्ट्री फिट स्पीकर्स में भी बहुत रैटलिंग करते हैं, तो डैम्पिंग कराएंगे तो आपके फैक्ट्री फिटेड का ही आउटपुट बहुत बेटर हो जाता है, बेस इफेक्ट और रैटलिंग नॉइसेस बाहर की आउटसाइड नॉइसेस बहुत कम हो जाती है। तो सीधा चलते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। तो भैया दो ऑप्शन आज हम दिखा रहे हैं, तो इनमें क्या फर्क रहेगा और हमारे लिए कौन सा बेटर रहेगा? हम डैम्पिंग एक्सप्लेन करते हैं, डैम्पिंग बता रहे हैं। तो इसमें हमने तीन ही ऑप्शन दिखाए हैं आपको, एक एसटीपी का है, एक मुरैल का है, एक डॉक्टर आर्टेक्स का ऑप्शन हमने आपको दिखाया। इसमें एसटीपी की ये सबसे प्रीमियम सीरीज आती है, एग्रेसिव सिल्वर, ये लेटेस्ट लॉन्च है, कुछ टाइम हो गया है, 2.1 mm में है। सेम मुरैल की भी ये शीट, अभी जो ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुरैल को डैम्पिंग में, दिस इज अगेन 2.1 mm। आर्टेक्स की ये प्रीमियम रेंज है गोल्ड एचडी, दिस इज 2.7 mm, ये सबसे थिक है, ये सबसे थिक शीट है। मुरैल की भी इससे ऊपर एक रेंज आती है 4.2 mm में, वो भी बहुत थिक है, बट आप अभी स्पीकर वगैरह कुछ अपग्रेड नहीं कर रहे तो वो नीडेड नहीं है आपकी कार में। तो वही एक बार अगर हम सेटअप काइंड ऑफ एक्सप्लेन कर दें कि किस हिसाब से हम लोग लगवा रहे हैं डैम्पिंग, क्योंकि भैया जैसे बता रहे हैं कि 4 inch की भी आती है, तो वो तो एमएम की सॉरी, तो वो बहुत ज्यादा ओवर हो, बहुत हैवी सेटअप्स में रिकमेंडेड हो। हमारा सेटअप क्या है बेसिकली, हम लोग कोई कंपोनेंट नहीं लगवा रहे, स्पीकर चेंज नहीं करवा रहे, कंपनी वाली रखूंगा, उसमें डैम्पिंग करेंगे तो उसका ऑब्वियसली जो आउटपुट है वो थोड़ा सा एनहांस होगा, एंड उसके साथ जब हम ऐड करवाएंगे अपने अंडर सीट सबवूफर, तो मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे केबिन के अंदर एक थोड़ा सा बेस का पंचो और क्लैरिटी आए, मतलब डिस्टॉर्शन वाली ऐसी कोई आवाज ना आए मेरे को। तो हमको ऐसा बहुत हैवी वूफर वूफर नहीं लगवा रहे हैं, तो उसके हिसाब से डैम्पिंग भी चूज करेंगे, ठीक है? तो भैया ये जो तीनों डैम्पिंग है, इसमें वैसे तो तीनों अच्छी क्वालिटी की है, बट एक 19-20 के फर्क की बात करें तो सबसे बढ़िया कौन सी रहेगी, और ऑर्डर वाइज चलते हैं फिर उनमें कितना फर्क बताते हैं। स्टार्टिंग हम मुरैल से करते हैं, ये इनकी एंट्री लेवल है 2.1 mm, इन्होंने स्टार्टिंग यहाँ से करा है, बाकी ब्रांड्स में 1.8 1.6 भी आता है, बहुत अच्छी शीट है एंट्री लेवल के हिसाब से, क्वालिटी इज वेरी गुड, कोई एडेसिव का इशू नहीं आता, हीट में भी ऐसा नहीं है कि निकलने लग जाएगी। एसटीपी पे अगर हम आते हैं तो इनकी एंट्री लेवल रेंज अलग आती है, जिसमें 2.1 mm भी आती है, जीबी करके इनकी एक रेंज आती है, जो सस्ती रेंज है। बेसिकली होता है कितने टेम्परेचर तक वो होल्ड कर पाएगी, उसका ब्यूटाइल कितना स्ट्रॉन्ग है, एडेसिव कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो ये उस चीज में सबसे प्रीमियम रेंज है, दिस कैन होल्ड अप टू 150-160 degree, एंड इसका ब्यूटाइल एडेसिव बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर ऐसी हम गोल्ड एचडी पे अगर आ जाते हैं, आर्टेक्स में भी नीचे रेंज आती है 1.8 2.1, दिस इज 2.7, तो थिकनेस बहुत है, हेवी शीट है, अगर आप हेवी सेटअप लगाते हो इसमें आपका मिड बेस बहुत पावरफुल है, तो आपको फिर इस टाइप की डैम्पिंग पे जाना चाहिए, ठीक है? तो शुभम तेरी गाड़ी के लिए आप कौन सी सेलेक्ट करें फिर आज? ये तो भैया बताएंगे, आप रिकमेंड क्या करते हो? मेरा सेटअप बहुत बेसिक गाड़ी में, अभी हम स्पीकर्स नहीं चेंज कर रहे और इनका कोई प्लान भी नहीं है, इन्हें सिर्फ वूफर ही ऐड करने का मन है, सो इनकी गाड़ी पे हम मुरैल लगाने वाले हैं, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर इस कार, वो भी हम डबल लेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। तो भैया अगर हम सेल्टोस की बात करें तो उसमें मतलब जैसे चार दरवाजों पे होगी, तो हमारी नंबर ऑफ शीट्स कितनी लगेगी? डोर साइज थोड़ा बड़ा होता है आपके फ्रंट के जो डोर होते हैं, तो डबल अगर आप लेयर करते हो तो अराउंड 9-10, मतलब देखो 8 तो लगेंगी लगेंगी, उसके बाद जो स्पेसेस होंगी उसमें थोड़ा अलावा एक दो शीट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, मतलब 10 शीट मान के चलो मैक्सिमम, ठीक है? अब बात करते हैं हमारे अंडर सीट सबवूफर्स की। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस दिखाए हैं, इन्फिनिटी
एक हमने दिखाया आपको एल्पाइन का ऑप्शन, इन्फिनिटी थोड़ा कॉम्पैक्ट है साइज में, कुछ गाड़ियों में सीट के नीचे स्पेस की प्रॉब्लम आती है, तो ये थोड़ा कॉम्पैक्ट है साइज में, हम आपको दिखा देते हैं इसका। तो ये मैक्सिमम हर कार्स में आ जाता है क्योंकि कॉम्पैक्ट है तो कोई इश्यू नहीं आता। कुछ गाड़ियों में सीट के नीचे रॉड्स वगैरह होती है तो कुछ आ नहीं पाते अंडर सीट नीचे, ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है। ये तो बहुत ही छोटा है, स्लिम है, छोटा है, 100 वॉट आरएमएस में है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है इस सेगमेंट में। बट आपकी गाड़ी में जो अभी हम जा रहे हैं ऐसे, क्योंकि आपकी गाड़ी में स्पेस भी अच्छा है और आपको थोड़ा सा बेस लेवल भी बेटर चाहिए था अंदर, इसमें अभी हम लगाने वाले हैं अल्पाइन का। दिस इज इन 150 वॉट आरएमएस, इन्फिनिटी वॉज इन 100 वॉट आरएमएस, ये आपकी गाड़ी में हम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसका बेस क्वालिटी बहुत अच्छा है। कुछ लोग चाहते हैं हमें बूट जैसा बेस चाहिए बट बूट यूटिलाइज नहीं करना, तो आप ये दो भी लगा सकते हैं, लाइक इन फॉर्च्यूनर इनोवा हम काफी इंस्टॉल करते हैं तो दो का बहुत अच्छा बन जाता है। तो इसमें भैया जैसे एल्पाइन और इन्फिनिटी है, इसमें प्राइसिंग में ऑलमोस्ट डबल का फर्क आ जाता है? नहीं नहीं, तो प्राइसिंग में इतना डिफरेंस नहीं है। इन्फिनिटी अभी रिसेंटली प्राइस हाइक हुआ है, मेरे पास ये पुराने रेट का ही रखा है। अगर प्राइसिंग की बात करूँ 3-4 हजार रुपए का ही डिफरेंस है, 3-4 हजार का ही है। ठीक है, तो इन दोनों में से फिर एनी टाइम सजेस्टेड यही रहेगा कि आप एल्पाइन है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है। अंडर सीट में हैंड्स डाउन एल्पाइन मेरे हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट है जितने भी इंडिया में। भैया एल्पाइन भी खोल के दिखा दे, थोड़ा आइडिया लग जाएगा कंपेयर करेंगे इससे। और अंडर सीट का भैया ये बताओ आप हमारे व्यूअर्स को कि इसको लगाने के लिए क्या क्या वायरिंग की नीड होती है, एम्प चाहिए या नहीं चाहिए, और कन्वर्टर्स इसमें लगाने पड़ते हैं नहीं लगाने पड़ते, उन चीजों की बात करते हैं। सी, अंडर सीट कोई भी आप लेंगे इनबिल्ट होगा हमेशा, एक्टिव कहते हैं हम इसे, एम्पलीफायर इनबिल्ट ही आता है, कंट्रोलर भी साथ में आता है बेस कम ज्यादा करने के लिए, जो आप आगे प्लेस करा सकते हैं जहां आपको इजी रहेगा यूज करने में। प्लस इसमें आपका वायरिंग साथ में आती है एल्पाइन की, ये इसका कंट्रोलर है कम ज्यादा करने के लिए, इसकी ये सारी वायरिंग साथ में है, आपको कोई एडिशनल वायरिंग नहीं लगानी। आप डायरेक्ट हाई इनपुट से भी इसे प्ले कर सकते हैं, अगर आप हाई लो कन्वर्टर के थ्रू करना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं, बट हाई इनपुट पे भी परफेक्ट साउंड आता है, कोई इशू नहीं आता इसके अंदर। यही इन्फिनिटी की बात करें, इसमें भी वायर आती है बट इसमें बहुत स्मॉल वायर आती है, इसमें आपको सेपरेट वायरिंग डालनी पड़ती है तभी ये इंस्टॉल हो पाएगा। इसके साथ जो वायर्स आती हैं वो बहुत छोटी होती है, वो आपकी बैटरी से नहीं आ पाती, तो बाकी मैक्सिमम अंडर सीट में वायरिंग आती ही है साथ में। ठीक है, तो अब सीधा इंस्टॉलेशन की तरफ चलते हैं गाइस, और देखते हैं, पहली बार 3 साल हो गए हैं गाड़ी को, पहली बार गत्ते खुले हैं गाड़ी के, तो मजा आने वाला है। बाकी देखते हैं इसका बाकी क्या रहता है ऑडियो का आउटपुट, मैंने पर्सनली कभी सुना नहीं है ऐसे अंडर सीट का आउटपुट आगे कभी, तो आज मैंने सोचा कि किसी और की वीडियो देखने के अलावा हम ही दिखाते हैं सबको आउटपुट कैसा रहता है, तो आओ गाइस चेकआउट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो गाड़ी का गत्ता खुल चुका है, और ये कुछ रहने वाले हैं हमारे स्टॉक स्पीकर्स। स्पीकर्स तो अभी चेंज नहीं हो रहे हैं खैर, बट इसमें 2 लेयर में डैम्पिंग होने वाली है, एक जो इसके अंदर लेयर है और एक जो ये हमारी मिडिल लेयर होती है, तो इसमें पूरी डैम्पिंग होने वाली है। तो दूसरे दरवाजे पे डैम्पिंग लगनी स्टार्ट हो गई है, आपको एक बार वहाँ से जाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, तो पहली लेयर हमारी लग चुकी है अंदर की साइड, और इसमें गाइज ऐसे नहीं होता कि हर जगह चिपका दी जाती है, ये जो पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं इन पे अगर आप लगाओगे तो डैम्पिंग होल्ड नहीं करेगी ढंग से, इसलिए ये चीज़ खाली छोड़ी जाती है, और जो बाकी फ्लैट सर्फेसिस होते हैं उस पे डैम्पिंग का ज़्यादा इफेक्ट आता है। ये देखो गाइस हमारे शुभम भाई को भाई ढंग से कर यार, कुछ काम सीख रहा है तो भी ढंग से सीख। भैया को डर है, दानिश भाई है नहीं दुकान पे आज, भाई हमने अपने हाथ में ले लिया है ये रिप्लेसमेंट दानिश भाई की। तो गाइस अब देखो हमारा सारा कनेक्शन हो चुका है, एंड ये लग गया है हमारा अंडर सीट सब ऊपर एल्पाइन का, अभी ये घुस जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो पहले आपको थोड़ा बता देते हैं कि इसमें वायरिंग किस हिसाब से होती है, तो भैया थोड़ा एक्सप्लेन करो। इसमें हमने एक बैटरी से आपके कनेक्शन लिया पावर के लिए, रिमोट के लिए डायरेक्ट फ्यूज से हम कनेक्शन ले लेते हैं, ताकि रिमोट वायर हमें चाहिए होती है ताकि इग्निशन ऑन होने पे ये ऑन हो। हाँ, प्लस इसमें हमने दोनों फ्रंट स्पीकर से वायर लिए हाई इनपुट के लिए, हमने कन्वर्टर नहीं लगाया, हाई इनपुट से ही चलाया है स्पीकर से वायर लेके, विदाउट एनी ऑल्ट्रेशन या कोई टैम्परिंग करे बिना। ठीक है, सिंपल दो वायर लेंगे, आप इसमें दिखा सकते हैं ये इसके कनेक्शन हैं, ये आपका हो गया बैटरी से जो वायर आ रही है आपकी,
ऑटो टर्न ऑन होता है तो इसमें रिमोट की जरूरत नहीं पड़ती इस मॉडल में। तो ये क्या है, जैसे ही म्यूजिक सेंस करेगा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा ये आपका। प्लस ये आपके चार स्पीकर इनपुट हो गए वायर के, जो हमने दोनों डोर से फ्रंट के वायर लेके कनेक्ट करे। ठीक है, बाकी गाइस अगर हम आपको थोड़े कंट्रोल्स भी दिखाएं यहाँ पे, तो यहाँ से देखो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो कि आपका गेन कितना रखना है आपको और बेस बूस्ट कितना रखना है। तो अभी हम गाड़ी में बैठ के हमने पूरा गाने वाने सुन के इसको अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लिया है, तो आप लोग भी इसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। तो गाइज अब ये पूरा कंप्लीट हो गया है सेटअप, एंड अब बस इसको सीट के नीचे डाल के परमानेंटली फिक्स कर देंगे, एंड उसके बाद ट्राई करते हैं कि आपको एक आउटपुट का अंदाज़ा दे पाएं कि ओवरऑल जो इसका आउटपुट है वो कैसा है। तो गाइज हमारा अंडर सीट जो है वो लग चुका है, एंड बहुत ही प्यारा उसमें थंप आ रहा है और बेस आ रहा है। बट अभी हमें ये फील हुआ कि जो कंपनी के जो ओरिजिनल हमारे को आगे स्पीकर्स मिलते हैं उसकी वजह से जो वोकल्स है वो बहुत ज़्यादा दब रहे थे जब भी बेस आ रहा था। तो हमने सोचा है कि जब इतना अपग्रेड हो ही रहा है तो साथ में हम लोग अब एक कॉम्पोनेंट भी स्पीकर लगवा लेते हैं, जिसकी वजह से वोकल्स जो है वो एकदम बढ़िया हो जाएंगे। तो देखते हैं गाइज अब कौन सा हमें आगे कॉम्पोनेंट स्पीकर लगवाना है। तो भैया कौन सा लगवा रहे हो फिर आप गाड़ी में? यार देखो अभी अंडर सीट का तो थंब बहुत अच्छा है, जो आपको भी पसंद आया, इफेक्ट बहुत अच्छा इफेक्ट आया, बट आपके स्पीकर्स बहुत लो साउंड कर रहे हैं उसके साथ। जैसे ही थंब आता है वहीं पे आपके स्पीकर का वॉइस बहुत ड्रॉप हो रहा है। तो अभी हम उसमें बहुत एक्सपेंसिव पे नहीं जाएंगे, हम एक अच्छा मोरेल ब्रांड का कॉम्पोनेंट लगा रहे हैं आगे, इनका जो स्टार्टिंग रेंज आता है मैक्सिमम, विच विल वर्क विदाउट एम्पलीफायर परफेक्टली। तो बिना एम के अभी हम ये अपग्रेड कर रहे हैं फिलहाल, बाद में हम रियर भी एड ऑन कर लेंगे एसी का, तो ये अपग्रेड फिलहाल करते हैं और फिर रिस्पॉन्स। तो गैस मेरी रिक्वायरमेंट थी कि मैं एम्प तब तक नहीं लगाऊंगा जब तक बिल्कुल ज़रूरत ना हो उसकी, तो अभी भी हम बिना एम्प का ये लगवा रहे हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी सही है बिना एम्प के भी। तो ठीक है भैया, अब यही वाला पहले तो दिखा देते हैं अपने कस्टमर्स को कैसा है। ये इसका मिड बेस है, हमने पहले भी वीडियो में दिखाया है, जो कि हार्ड पेपर कोन में ही आता है। पेपर कोन होने की वजह से थोड़ा मिड बेस की बेस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और मोरेल का क्या है, ट्रेबल हमेशा बहुत वार्म टोन पे रहता है, इसका थोड़ा सा तेज है बट इतना शार्प नहीं है, वो आप टोनैलिटी इसकी एडजस्ट कर सकते हो। वो तो एडजस्ट हो जाएगी इसको। ठीक है, इसका ट्विटर भी दिखा देंगे एक बार। ये इसका ट्विटर है, काफी अच्छा साइज में आता है, मैग्नेट भी काफी बेटर आता है। राइट, देख सकते हो गाइस ये अभी हमारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो इसको पिलर में ही लगवा लें या सेल्टॉस में, आपने देखा होगा तो डोर में भी साइड में ऑप्शन होता है। आपको प्रॉपर ईयर लेवल पे साउंड चाहिए और अच्छा ट्रेबल चाहिए तो फिर हम इसे ए पिलर पे लगाएंगे, क्योंकि डोर पे ब्लॉक होता है साउंड। राइट राइट, तो हम पिलर में ही लगवाएंगे। तो ठीक है भैया ये लगवा दो आप, फिर सबको सुनाते हैं कि क्या रहेगा इसका आउटपुट। तो गाइस काम अब पूरा हो चुका है, आप देख सकते हैं मोरेल का स्टिकर भी लग गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल आउटपुट। तो पहले तो मैं आपको चेक कराता हूँ अपना अंडर सीट। तो आप यहाँ से देखोगे तो आपको कहीं से भी दिखेगा नहीं, बट ये लगा अपना अंडर सीट नीचे, एंड बहुत नीट वायरिंग की हुई है, तो पूरी गाड़ी में कहीं से भी आपको दिखेगा नहीं कि वायरिंग जो है वो कहाँ पे है। मैं आपको पीछे से भी चेक करवा देता हूँ। तो ये देखो गाइस यहाँ से भी ये 70 मैट्स हैं, तो यहाँ से भी इजीली दिखता नहीं है आपको, बट वो लगा अपना अंडर सीट, एंड बहुत ही प्यारी जो है इसकी वायरिंग हो रखी है, कहीं भी आपके हाथ पैर के बीच में नहीं आएगी। और अब हम आगे देखें अगर अपने कंपोनेंट्स, तो ये तो आपको दिखेगा नहीं अंदर लग गया है, बट यहाँ पे हमने लगवाए हैं ट्विटर्स अपने ए पिलर पे। तो गाइज अब हम चेक करवाते हैं आपको इसका आउटपुट। जब थोड़े वोकल्स भी चेक कर लेते हैं, गाइज अभी आपने सुना हमारा आउटपुट, एंड मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो जो भी मेरी रिक्वायरमेंट्स थी वो बिल्कुल फुलफिल हो रही है। तो जो भी ऑडियो अपग्रेड करवाता है उसको सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट्स जो है उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि कितना उनको बेस चाहिए, और उनको एक्चुअली में ज़रूरत है एक पीछे डिक्की में 10 इंच के सब वूफर की या एम्पलीफायर की,
तो मेरी रिक्वायरमेंट्स यही थी कि मेरे को एक बहुत ही डिसेंट सा पंची बेस मिले, मेरे को वो वूफर वाली बेस नहीं चाहिए था जो बहुत ज्यादा बेस आता है, तो वही मेरी रिक्वायरमेंट थी। मेरे को वोकल्स भी चाहिए थे बिल्कुल एक्यूरेट, तो इसलिए हमने आगे लगवाए मोरेल के कंपोनेंट्स भी। तो अगर आपको भी एक डिसेंट सा ऑडियो अपग्रेड चाहिए अपनी गाड़ी में जो कि OEM से काफ़ी बेटर होगा, तो आप भी ये लगवा सकते हैं, अल्पाइन का अंडर सीट सब वूफर। एंड इसका बेस की अगर मैं क्या तारीफ करूँ, बहुत ही अच्छा बेस है। एंड जहाँ पे ड्राइवर की सीट के नीचे अगर आपने लगवाया तो आपको मज़ा आ जाएगा गाड़ी चलाते हुए। ऐसा नहीं है कि साइड वाले को नहीं आता, बट जो यहाँ बैठा है इस सीट के ऊपर उसको तो भाई मजा आ जाएगा। अगर आप अपनी गाड़ी में दो लगवा लेते हो ये, तो गाइज ये एक्चुअली में आपका जो पीछे डिक्की में सब वूफर लगता है उसको अच्छे से कम्पीट कर सकता है। बहुत ही प्यारा सेटअप है। एंड आगे जो हमने लगवाए हैं कंपोनेंट मोरेल के, उसकी क्लैरिटी की तो मैं क्या तारीफ करूँ। पहले वाले स्पीकर जो किया ने दिए थे वो इतने बेकार थे, उनमें मतलब इतने सारी ट्यून्स जो थी वो तो सुनाई नहीं देती थी। जो मैं गाना 1.5 साल से सुन रहा हूँ, मुझे अब उसमें कुछ कुछ बीट्स ऐसी सुनाई देने लगी हैं जो पहले कभी सुनाई देती नहीं थी। तो क्लैरिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर आपको भी ऐसा ऑडियो अपग्रेड चाहिए तो नीचे हमने शॉप का एड्रेस और भैया का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे बात कर सकते हैं। इट्स अबाउट मशीन्स का नाम लेके जाओगे, आपको डिस्काउंट भी 100% मिलेगा। तो यही थी गाइज आज की वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी और बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।